एक बार एक राजा था, उसने अपने गांव के सभी बच्चों को खीर के लिए आमंत्रित किया। खुले मैदान में खीर बनवाई जा रही है। ऊपर से एक बाज उड़ के गया जिसके पैरों में सांप था, शिकार करके ले जा रहा होगा, लेकिन गलती से वो सांप गिर गया उस खीर में। पूरी खीर जहरीली, किसी का ध्यान नहीं गया। सभी बच्चों को वही खीर खिलवाई गई, सभी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। राजा ने चखी, उसकी मृत्यु हो गई। वो सांप बेचारा गरम गरम खीर में मर गया, वो बाज बेचारा भूखा मर गया। अब इन सब की आत्माएं पहुंची यमलोक। यमराज और चित्रगुप्त कंफ्यूज कि कर्म किसके खाते में लिखे, क्योंकि यहाँ किसी की गलती नहीं है। तो वो दोनों धरती पे आते हैं, चलो भाई थोड़ी रिसर्च करते हैं। गांव के बाहर एक दुकानदार मिलता है, उससे पूछते हैं कि गांव में जाने का रास्ता यही है? दुकानदार कहता है यही है, लेकिन साहब वहां जाना मत, क्योंकि वहां जो राजा है वो सबको खीर खिला के मरवा देता है। यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं मुझे मिल गया कि यहाँ बकरा कौन है। चित्रगुप्त पूछते हैं कौन? यमराज कहते हैं ये दुकानदार, इसको पता भी नहीं है सच क्या है, लेकिन तब भी इसने जज किया। और कलयुग में इसी चीज की वजह से हम दूसरों के कर्म हमारे खाते में लिखे जा रहे हैं, जज कर रहे हैं, पता नहीं है क्या सही क्या गलत। एक महीने बस ये ट्राई करना, लोगों को जज करना बंद कर दो। जिसको जो करना है करेगा, सही गलत नहीं पता तब तक जज मत करना। और आप देखना एक महीने में आपकी लाइफ किस प्रकार की डायरेक्शन पकड़ती है। कोशिश तो करो, वरना जैसी जिसकी सोच। नमस्कार।